सपा के पूर्व विधायक व प्रदेश सचिव स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैंथवार के 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधानसभा पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की 10वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जो कि व्यक्तित्व के बहुत धनी थे, जिन्होंने समाजवाद के चिंतन को और समाजवादी सोच को समाज में आगे बढ़ाया है। अपने पूरे जीवन में सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलते थे, जिनके लिए उन्होंने अनेकों अच्छे कार्य किए हैं, जिनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने समाज के लोगों के लिए कार्य किया था, उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाएं, यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर सपा नेता कुंवर प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह, राधे श्याम सिंह, सहजनवा के नगर पंचायत अध्यक्ष नागेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, अजय कुमार सिंह उर्फ राकेश सैंथवार ने कहा, वहाँ डाल करके हाथ को लगा करके सब लोग खड़े हैं, जो लोग बैठे हैं, और कार्यक्रम बहुत देर तक नहीं चलेगा, आज भी लगन है तो हम लोग प्रयास करेंगे। अजय कुमार सिंह उर्फ राकेश सैथवार, पुत्र स्वर्गीय केदारनाथ सिंह, उनका बड़ा पुत्र हूँ। माननीय अखिलेश सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग का मैं सदस्य था। तृतीय टावल इंदिरा भवन लखनऊ मेरा ऑफिस था। ये 10वीं पुण्यतिथि है स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की। इनका इतिहास 70 के दशक से शुरू होता है। 70 के दशक से शुरू होते हुए संघर्ष करते हुए पिपराइच से 80 में पहली बार विधायक हुए, और सारी जनता ने उस वक्त नेताओं की जाति होती थी, आम जनता की जाति नहीं होती थी। नेताओं की जाति क्यों होती थी? लाठी खाते थे, जनता के बीच में जाके आंदोलन करते थे, सर समाज के नेता थे वो, तो इसलिए नेताओं की उस जाति में थे ये, सड़क से लेके सदन तक लिट्टी भोरी लगा के गरीबों के मांग को लेकर आंदोलन करके 80 में विधायक हुए। फिर उसके बाद चूँकि 84 में इंदिरा गांधी मर गई थी, लहर थे, 1300 से हार गए, फिर 89 में पुनः जनता दल से विधायक हुए, और उसके बाद से दूरदर्शिता के वजह से अपने समाज के लिए इन्होंने फिर आरक्षण दिलाने का कार्य किया पिछड़ी जाति में। आज उनके पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे? यही कि पुण्यतिथि में तमाम वक्ता, तमाम पुराने साथी लोग आए हैं, वो लोग उसमें उनके उनके जो है मार्गदर्शन, जो जो वो किए हैं, जैसे लोहिया समाजवादी चिंतक थे, इसी तरह ये सर समाज के भी नेता थे, और सर समाज के नेता के साथ साथ अपने समाज का भी कल्याण किए। ये इनके बारे ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। 10वीं पुण्यतिथि है, देखिए स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी की 10वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मैं उनके सुपुत्र को अजय सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसे महान व्यक्ति के धनी स्वर्गीय बाबू केदारनाथ सिंह जी, जिन्होंने समाजवाद के चिंतन को, समाजवादी सोच को उन्होंने समाज में आगे बढ़ाया है, और वो अपने पूरे जीवन में सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर के बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्य किया है, और आज उन्हीं के उपलक्ष्य में ये 10वीं जो उनकी श्रद्धांजलि सभा आज यहाँ पर आयोजित की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वर्गीय बाबू केदारनाथ सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और समाज के लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने जो एक संदेश दिया था, जो उनके विचार हैं, सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हम उनके विचारों को समाज में लोगों तक, घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें।